कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलता है स्पीगन का 3-in-1 वायरलेस चार्जर कम पावर बैंक। इसमें काफ़ी सारे हाइलाइटेड पॉइंट को मेंशन किया हुआ है बॉक्स पे, जैसे कि इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, 12 वॉट्स की वारंटी भी देखने को मिलती है, 20 वॉट की मैक्स आउटपुट को सपोर्ट करता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट से। इसमें आपको अटैचमेंट देखने को मिलता है जिससे एज ए फ़ोन स्टैंड भी वर्क करता है, और इसमें केबल का जो लेंथ है वो मेंशन किया हुआ है कि 1 मीटर की देखने को मिलती है। इसमें आपको देखने को मिलता है 4000 KMAR, लेकिन लास्ट में मैं बताऊँगा कि इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग क्या है। सबसे पहले फ़ोन स्टैंड का अटैचमेंट देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का स्टैंड देखने को मिलता है जिससे आपका वायरलेस चार्जर एज अ फ़ोन स्टैंड वर्क करने लगता है। नेक्स्ट इसमें Type-C to Type-C केबल देखने को मिलती है जिसकी लेंथ 1 मीटर देखने को मिलती है, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इसमें चार्जिंग डॉक देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे Type-C पोर्ट का सपोर्ट दिया गया है जिससे ये पावर इनपुट देता है और आपके पावर बैंक और डिवाइसेस को चार्ज करता है, और यहाँ पे इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है जिससे पता चलता है कि आपका पावर बैंक चार्ज हो रहा है कि नहीं, और मैग्नेटिक पिंस देखने को मिलती है जिससे आपका पावर बैंक इससे अटैच हो जाता है। और कुछ इस तरीके का बैक लुक है और फुली पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ देखने को मिलती है, यानी कि फुली कार्बोनेट बॉडी है इसमें। इसमें मैनुअल देखने को मिलता है जिसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि इसमें कितना इनपुट आउटपुट वगैरह प्रोवाइड किया उन्होंने और इंडिकेशन लाइट्स का क्या मतलब है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पावर बैंक देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है, और आपको यहाँ पे पावर बटन देखने को मिलता है जिसको प्रेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेस नहीं करोगे तो चार्जिंग नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, मैग्नेटिक पिन सेंटर में Type-A पोर्ट Type-C पोर्ट, और इधर साइड पे आपको देखने को मिलते हैं इंडिकेशन लाइट 5 दिए गए हैं लेकिन 4 आपके बैटरी इंडिकेटर हैं, और एक स्टेटस शो करने के लिए कि आपका चार्जिंग हो रहा है तो ग्रीन कलर का लाइट फ्लैश करेगा, ब्लू कलर का फ्लैश करता है, यानी कि कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये आपके जो 4 हैं लेफ्ट आउट वो आपको बैटरी इंडिकेट करते हैं। और कुछ इस तरीके की सॉफ्ट फिनिशिंग में देखने को मिलता है ये पावर बैंक जिससे कि ग्रिप बना रहे आपका स्मार्टफोन कहीं गिरे ना। सो दिस इज ऑल अबाउट अनबॉक्सिंग। अब बात कर लेते हैं पावर बैंक के बारे में। तो पावर बैंक पे आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और दोनों से ही आप अपने डिवाइसेस या फिर स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। Type-A पोर्ट से आपको 18 वॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है और Type-C से 20 वॉट का मैक्स आउटपुट देखने को मिलता है। आप अपने डिवाइसेस को वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हो तो उससे आपको मैक्स आउटपुट 15 वॉट का देखने को मिलता है, और Type-C पोर्ट से पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो जहाँ पे ये 18 वॉट से चार्ज होता है। लेकिन जब आप इस पावर बैंक से मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज करते हो एक टाइम पे तो आपको आउटपुट में वैरी करते हुए दिखता है, जैसे कि वायरलेसली 15 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता था, लेकिन जब आप मल्टीपल डिवाइसेस एक ही टाइम पे चार्ज करते हो तो उस टाइम पे सिर्फ 5 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है, और जो Type-A पोर्ट देखने को मिलता है Type-C पोर्ट देखने को मिलता है उससे मैक्स आपको 10 वॉट का ही आउटपुट अब देखने को मिलता है। अब आप इस पावर बैंक को एज अ वायरलेस चार्जर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो आपको बॉक्स में डॉक देखने को मिलता है जब आप उसको पावर बैंक से मैग्नेटिकली अटैच कर देते हो तो उस टाइम पे आपके जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ये वायरलेस चार्जर की तरह एक्ट करता है। ये 3-in-1 का यही फायदा इसमें देखने को मिलता है। आप पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो या एज अ चार्जर भी यूज़ कर सकते हो, और उस टाइम पे भी आपको मैक्स जो है 15 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके डिवाइस को चार्ज तो करता ही है लेकिन उसी टाइम पे ये पावर बैंक खुद को भी चार्ज करता है, लेकिन प्रायोरिटी में आपके डिवाइस को ही रखता है, यानी कि उस टाइम पे आपका डिवाइस फुल 15 वॉट से ही चार्ज होगा, लेकिन जो अपने आपको खुद को चार्ज कर रहा है पावर बैंक वो हो सकता है कि 18 वॉट से ना चार्ज करे उस टाइम पे। जितना आप इनपुट प्रोवाइड करोगे उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और उन सभी चीज़ों को हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि स्पीगन एक रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड है। इसमें ओवरहीटिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर आपका पावर बैंक 55 डिग्री सेल्सियस से ओवरहीट हो रहा है उस टाइम पे ये अपने आप को पावर कट कर देता है या फिर किसी भी डिवाइसेस को चार्ज नहीं करता जब तक ये खुद को ठंडा ना कर ले। रही बात प्राइसिंग की, तो स्पीगन का ऑफिशियल वेबसाइट पे 2900 का देखने को मिल रहा है और अमेजोन पे अभी मेरे को देखने को नहीं मिला तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन स्पीगन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे ये इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे है इस वजह से कोई भी ऑफर्स आपको देखने को नहीं मिलता, अदरवाइज इस अमेजोन पे लोगों ने इसको 2000 रुपये में भी खरीदा हुआ और उससे भी हो सकता है कि लोअर कॉस्ट पे खरीदा हो। जब भी अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा।